subscribe my YouTube channel Technical World's King. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त किशन जी राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक्निकल वर्ड्स किंग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी के भी जो है आईपी एड्रेस को आसानी से कैसे जो है देख सकते हैं केवल एक सेकंड में। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे और दोस्तों जो प्रोसेस यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल पर मैं करके दिखा रहा हूँ, सेम प्रोसेस आप लोग अपने लैपटॉप या फिर पीसी पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम एक वेबसाइट को टाइप करेंगे आईपी लॉगर टाइप करने के बाद में दोस्तों उसके बाद में सर्च करेंगे। और मैं बता दूं आप लोगों को कि ये इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप लोग वहां से भी इसको विजिट कर सकते हैं। दोस्तों आईपी लॉगर सर्च करने के बाद में उसके बाद में हम यूआरएल पे क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद में दोस्तों यहाँ पर ऐसा इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आपको 3 लाइन्स दिख रही है, 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इनके मेनू दिए गए हैं, आप लोग इनको आसानी से इसको पहले से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन दिया गया है, इसमें कुछ सेटिंग्स है। तो सेटिंग्स में यहाँ पे साइन इन या फिर लॉगिन या फिर साइन अप का है सेम कंडीशन है जो कि सभी जो है साइट में अक्सर हुआ करता है। तो आइए हम लोग अपने जो है टॉपिक पे चलते हैं। तो दोस्तों हमको करना क्या होगा, यहाँ पर जो है हम किसी दूसरे वेबसाइट को यानी कि दूसरे URL को ला करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो आइए मैं जो है अपना दूसरा टैब खोल लेता हूँ। दूसरा टैब ओपन करने के बाद में मैं अपने वेबसाइट को जो है अपनी ही वेबसाइट को सर्च करूँगा और ये मेरी वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली हमको इस URL को जो है कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपली ला करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे गेट आईपी लॉगर कोड पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों ये सिंपली दोस्तों यहाँ गेट आईपी लॉगर कोड पे जो है क्लिक करने के बाद में ये रिडायरेक्ट करेगा। रिडायरेक्ट करने के बाद में सिंपली यहाँ पे प्रोसेस होकर के आ जाएगा। ये जो आप ग्रीन कलर की जो लिंक देख रहे हैं इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में दोस्तों सिंपली करना क्या होगा आप लोगों को, अब यहाँ से इसको मिनिमाइज़ कर देना है। मिनिमाइज़ करने के बाद में आप लोगों को अपने व्हाट्सएप में जाना है। व्हाट्सएप में जाने के बाद में आप लोगों को अपने जो है किसी फ्रेंड के पास इसको सेंड कर देना है। तो मैं अपने फ्रेंड के पास सेंड कर देता हूं ऐसे, और अब ये सेंड कर चुके हैं। उसके बाद में मान लीजिए कि आपने इसको सेंड कर दिया और आपका फ्रेंड जो है देखेगा इसको, ओपन करेगा, तो ओपन करने पे ऐसे क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद में दोस्तों ये वेबसाइट जो है लेके जाएगी डायरेक्ट मेरे वेबसाइट पर, यानी कि उस वेबसाइट पर लेके जाएगी कि जिसका URL आप लोग जो है आईपी लॉगर में डाल करके शॉर्ट करते हैं। तो इतना जो है करने से यानी कि केवल उसके क्लिक करने से ही अपना काम हो जाता है दोस्तों। तो आइए हम लोग फिर से अपने क्रोम ब्राउज़र में चलते हैं। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद हम अपने उस आईपी लॉगर टैब को ओपन करेंगे जहां पे मैंने आईपी लॉगर वेबसाइट को ओपन किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है देख रहे हैं जैसा कि, तो सिंपली आप लोगों को स्क्रॉल करके आ जाना है नीचे। यहाँ पर आएँगे तो यहाँ से जो है हम लोगों ने इस लिंक को कॉपी किया था, कॉपी करने के बाद में सेंड किया था। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को 3-4 जो है ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो उसके बाद में हम लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों सिंपली आप लोगों को यहाँ पे आईपी एड्रेस आ जाएगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है इंडिया का फ्लैग दिखाई दे रहा है, यानी कि जो आईपी एड्रेस है ये इंडिया का है। और यहाँ पर जो इंडिया मथुरा लिख करके आ रहा है दोस्तों, तो ये आईपी एड्रेस इंडिया मथुरा का है दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग जो है किसी का भी जो है आईपी एड्रेस एक सेकंड में देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी और न्यू ट्रिक्स है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और आप लोग जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बताइएगा भी कमेंट करके कि वीडियो आप लोगों के लिए कैसा है और आप लोगों को कैसा लगा है।